Assalamu alaikum to class. I am your G-Science teacher, Ms. Zainab. Today, our topic is costs of unit number 1, our surrounding, and lesson number 4, our earth. So let's start. Keep your lead pencil ready. It's your page number 3. Costs, darya ka kinara. Costs ka meaning aap likhenge darya ka kinara. The land areas near the sea are called costs. Zameen ke ird gird jo होता है समुंदर के इर्द गिर्द जो ज़मीन है उसको हम कहते हैं कोस. उसे हम क्या कहते हैं, ये दरिया का किनारा है. इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे, द लैंड से लेके कोस्ट तक. देयर आर सैंडी बीचेस नियर मैनी कोस्ट. दरिया के किनारे पे बहुत ज़्यादा मिट्टी के जो बीच हैं वो बने हुए हैं. मैनी पीपल लिव इन कोस्टल एरियाज़. बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो दरिया के किनारे पर रहते हैं. कोकोनट ट्रीज़ ग्रो वेरी वेल इन कोस्टल एरियाज़. दरिया के किनारे पर कोकोनट ट्रीज़ जो हैं वो उगाए जाते हैं. कोकोनट से लेके एरियाज़ तक इस लाइन को अंडरलाइन करें. कोस्टल एरियाज़ आर द वार्म एंड द एयर इज़ ह्यूमिड. कोस्टल एरिया दरिया के किनारे पे जो जगह है वो बहुत गर्म होती है और हवा में नमी होती है. इट मेक्स पीपल स्वेट अलॉट. इससे क्या है, लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेट पसीना आता है. स्वेट का मीनिंग आप लिखेंगे पसीना. नेक्स्ट है पोलर रीजन्स. इन पोलर रीजन्स में द लैंड इज़ ऑलवेज कवर्ड विद लॉट्स ऑफ स्नो एंड आइस. हमारी जो ज़मीन है बहुत ज़्यादा बर्फ से कवर्ड है, बड़ी हुई है, कवर्ड की हुई है. वेरी फ्यू प्लांट्स, बहुत ज़्यादा प्लांट्स जो हैं ग्रो इन दीज एरियाज, इन जगहों पर उगाए जाते हैं. ओनली अ फ्यू एनिमल्स लाइक पोलर बियर्स. कुछ जानवर जैसे कि पोलर बियर्स एंड सील्स कैन लिव इन दीज वेरी कोल्ड प्लेसेज, इन ठंडी जगहों पर रहते हैं. कौन कौन से जानवर जो हैं रहते हैं, पोलर बियर्स एंड सील्स. पीपल हु लिव इन हाउसेस, वो लोग जो बर्फ़ के बने हुए घरों में रहते हैं, मेड ऑफ आइस स्लैब्स आर कॉल्ड एस्किमोस. उनको हम क्या कहते हैं, एस्किमोस. ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकता है. ओके, कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4. हिल्स. हिल्स हम किसे कहते हैं, पहाड़ियों को. अ हिल इज़ अ प्लेस विच इज़ हायर. हिल एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऊंचे ऊंचे पहाड़, देन द सराउंडिंग लैंड. ज़मीन के इर्द गिर्द ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ बनी हुई हैं. हायर का मीनिंग आप लिखेंगे ऊंचा होना. सराउंडिंग इर्द गिर्द. हिली एरियाज आर जनरली कूल. पहाड़ी इलाके जो हैं वो ठंडे होते हैं एंड प्लेजेंट और खुशगवार होते हैं. इट रेन्स वेरी ओपन इन द हिल्स. हिल्स में बहुत अक्सर बारिश होती रहती है, ओफन अक्सर. सो द हाउसेज ऑन द हिल्स. तो जो हिल्स पहाड़ियों के ऊपर घर बने हुए हैं, हैविंग स्लोपिंग रूफ टू लेट द रेन वाटर फ्लो अवे ईजीली. उनकी जो छतें हैं वो किस तरह बनी हैं, स्लोप की तरह, इस तरह स्लोप की तरह, जैसे आपको ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, जिससे क्या होता है, वाटर फ्लो वे इजीली. पानी का जो, बारिश का जो पानी है वो आसानी से बह जाता है. आगे है माउंटेन्स, पहाड़. माउंटेन्स आर मच बिगर. पहाड़ जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं देन हिल्स, पहाड़ियों की नस्बत. सम माउंटेन्स आर रॉकी. कुछ पहाड़ जो हैं वो क्या हैं, रॉकी हैं, पथरीले हैं. रॉकी का मीनिंग पथरीले. सम आर फुल ऑफ फॉरेस्ट एंड एनिमल्स. बहुत ज़्यादा जो हैं जंगलात हैं वहाँ पर और जानवर पाए जाते हैं पहाड़ों में. सम वेरी हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो. बहुत ज़्यादा पहाड़ जो हैं, ऊंचे पहाड़, वो बर्फ़ से ढके हुए हैं, कवर्ड, ढका हुआ, स्नो, बर्फ. व्हेन स्नो मेल्ट्स, जब बर्फ़ जो है मेल्ट होती, पिघलती है, वाटर स्टार्ट फ्लोइंग, पानी जो है बहना शुरू कर देता है. फ्लोइंग का मीनिंग बहना. डाउन द माउंटेन्स, पहाड़ों के नीचे की तरफ. इन दिस वे अ रिवर इज़ फॉर्म. इस तरह से क्या होता है, रिवर, दरिया जो है वो फॉर्म होता है, बनता है.